कोविड-19 के वध रहे प्रकोप कारण इस समय सरकारी रजिंद्रा हस्पताल विच मरीजा की गिनती वध रही है। कोरोना के लैवल 2 तो बाद लैवल 3 के खतरे नूं देखदियां सरकारी रजिंद्रा हस्पताल आने वाले दिनों विच ऑक्सीजन की समस्या नाल जूझ सकता है। भविख की तैयारी करदियां लोक सभा मैंबर प्रनीत कौर ने अपने सांसद फंड दे विचों 1 करोड़ रुपए जारी किए ने। सोमवार को क्वारंटाइन टाइम पूरा करने तो बाद लोगों के सामने आई लोक सभा मैंबर प्रनीत कौर ने कहा कि 3 हफ्तों के अंदर दुबई की एक कंपनी सरकारी रजिंद्रा हस्पताल विखे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। इस प्लांट विच रोजाना 200 सिलेंडर भरन की समर्था होगी, जिस नाल हस्पताल प्रशासन को कोविड-19 के मरीजों को संभालन विच सहायता मिल सकती है। जलंधर च मिनी लॉकडाउन नूं लै के जारी हुई छोट के बावजूद पुलिस प्रशासन नूं खुद दुकानां बंद करवाउणियां पै रहियां ने। जलंधर के ज्योति चौंक शेखा बाजार के कोल पुलिस ने 3 बजे तो बाद पहुँच के दुकानां बंद कराईयां। इस दौरान प्रशासन वालों जारी कीतियां गईयां हदायतां दी जम के तजियां उड़ाईयां गईयां। जानकारी के मुताबिक जलंधर प्रशासन वालों मिनी लॉकडाउन च थोड़ी राहत देंदे हुए 3 बजे तक दुकानां नूं खोलण के निर्देश दिते गए सन, पर 3 बजन के बावजूद दुकानदारां ने अपनी दुकानां बंद नहीं कीतियां, जिस दे बाद पुलिस वालों अनाउंसमेंट भी की गई। इस दे बाद पुलिस ने खुद दुकानों ते पहुंच के उन्होंने बंद कराया गया। जनतक खेतर दी भारतीय जीवन बीमा निगम विच एक बड़ा बदलाव होन जा रहा है। LIC ने कहा कि 10 मई तो इसके सारे दफ्तर हफ्ते विच 5 दिन काम करेंगे। शनिवार दे दिन हुन बीमा कंपनी विच छुट्टी घोषित कर दी गई है। कंपनी ने एक जनतक नोटिस विच कहा है कि 15 अप्रैल 2021 दे नोटिफिकेशन विच भारत सरकार ने हर शनिवार नूं भारत दे जीवन बीमा निगम लई जनतक छुट्टी दा ऐलान किया है। ये तालाबंदी ये तब्दीलियां कल तो लागू कर दी जाएंगी। LIC ने अधिकारित नोटिस जारी करके इस बारे सूचना दी है। कोरोना आफत दरमियान आम लोगों नूं वधिया नागरिक सहूलतां मुहैया करवाउण लई सेवा केंद्र दी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया नूं होर सौखा कर दिता गया है। इस दे लई सरकार ने जिले दे 33 सेवा केंद्रां लई बारकोड जारी कीते ने। बारकोड नूं मोबाइल नाल स्कैन करदे ही वैबसाइट खुल जाएगी। इस दे बाद लोग अपॉइंटमेंट लई अपना अप्लाई कर सकनगे। आम लोगों की सहायता लई टोकन ते हैल्प डेस्क बनाई गई है। आम लोगों की सहूलत लई टोकन ते हैल्प डेस्क बनी हुई है। इत्थे बिनेकार फॉरन चेक करके काउंटर नंबर ते किन्ने बजे काम होएगा ये जानकारी दी जा रही है। इस बार कोड नू व्हाट्सएप नाल भी स्कैन कर सकते हो। देश भर च कोरोना के संक्रमण की दूजी लहर का कहर जारी है। हालात देखते हुए कई सूबों लॉकडाउन लगा दिता गया है। लॉकडाउन कारण लोग घर कैद हो चुके हैं। घर च रह के जिथे एक पास लोग सोशल मीडिया से अपना टाइम बिता रहे हैं, उथे कुछ लोग इस चीज़ का फायदा चुकन च लगे हुए ने। लोग फर्जी मैसेज भेज के कोरोना काल च दूजियां नूं गुमराह करन च लगे हुए ने। अजिहा एक मैसेज इन्ने दिनी वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज च दावा किया जा रहा है कि जिस महामारी नूं हैशटैग कोरोना का नाम दिता जा रहा है वह कोरोना नहीं सगों 5G टावर की टैसटिंग के माड़े प्रभाव ने, पर भारत सरकार की संस्था PIB ने इन्हों दाव्या नूं खारिज किया है। वायरल मैसेज के दाव्या च जांच तो बाद हैशटैग PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट करके दसिया है कि यह दावा फर्जी है। ग्लोबल महामारी कोविड-19 के संदर्भ च अजिहियां गलत सूचनावां सांझियां ना करो अते सही जानकारी लई प्रमाणित सूत्रां ते ही विश्वास करो। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब विच अज यानी कि सोमवार को 400 ऑक्सीजन बैडा नाल श्री गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केंद्र खोलिया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बाबत जानकारी दिंदिया दसिया कि मंगलवार को होर 100 बैड उपलब्ध कराए जाएंगे। सिरसा ने दसिया कि दिल्ली सरकार के लोक नायक जय प्रकाश नारायण हस्पताल तो 50 डॉक्टरों वालों कोविड देखभाल केंद्र का प्रबंधन भी किया जा रहा है। कोविड देखभाल केंद्र च डॉक्टरों के सहयोग लिए 150 नर्सां अते वार्ड बॉय की टीम भी तैनात है। मनजिंदर सिरसा मुताबिक अज इस कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिस च दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन उचेचे तौर पर पुजे। पिछले 15 दिनों में हम सब ने शायद जिंदगी के वो रंग देखे हैं जो कभी को देखना पसंद नहीं करता, चाहे अरबों रुपया भी पास में है
लेकिन ना सांस है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है। तब हम सबको शायद ये समझ में आया कि पैसा किसी काम का नहीं। आज हम लोगों को यह जागने की जरूरत है, जिस नींद में हम सो रहे हैं उससे निकलने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए अगर हम लोग कुछ कर पाए तो शायद उसकी दुआ ये जो कोरोना बीमारी लंग्स में जाके लोगों के लंग्स खत्म कर देती है, शायद हम किसी को अगर वो सांस दें तो वो बीमारी हमारे घर ना आए, शायद हमें वो बचा ले। आज हम सबको ये बात समझ में आने लगी है। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का वो लक्की शाह अंजारा हॉल है जहाँ पे 400 बेड का प्रॉपर एक मिनी हॉस्पिटल के रूप में पिछले 10 दिन में हमने कोशिश करके आप सब लोगों के सहयोग के कारण बनाया। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप कंसंट्रेटर देख रहे हैं, ये जो बेड देख रहे हैं, ये सारा केवल और केवल 10 दिन में तैयार किया गया है। ये सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ है, ये 5 लीटर के लिए है, ये अगला ब्लॉक है, ये 10 लीटर के लिए है। इस तरह से हर ब्लॉक हमने खूबी तौर पर बनाया है। ये उसका अगला ब्लॉक है जिसमें हर जगह पे स्टैंड बाई कंसंट्रेटर भी है, साथ में दो दो कंसंट्रेटर एक बेड के साथ लगाए गए, अगर किसी को 20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए भी है। और ये सब कुछ 10 दिन में तैयार किया गया। मैं उन सभी परिवारों का धन्यवाद करता हूं। आज 10 तारीख दोपहर 2 बजे से ये शुरू होगा। किसी को जरूरत हो, बिना धर्म भेदभाव के उसका यहां पे इलाज होगा। अब आपको शायद ये जरूर समझ में आएगा कि आज हमें जरूरत किस चीज की है। हमें अपनी मानवता की सेवा करने वाली भावना दिखाने की जरूरत है। किसी काम ये माया नहीं आएगी, किसी काम हमारी शौहरत नहीं आएगी, किसी काम हमारी दौलत नहीं आएगी। इंसानियत बहुत जरूरी है, वो बचनी चाहिए। कंसंट्रेटर 20,000 का बेचा जा रहा था 80,000 रुपए में, पर आप सोचो वो लोगों के बारे में सोचो जो 80,000 का भी लेकर यहां देके जाते थे, उनकी भावना भी सोचो। एक तरफ लोग सांसों का व्यापार कर रहे हैं, जीवन का मौत का व्यापार सौदे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बचाने वाले किस हद तक जा रहे हैं। मैं इसलिए उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं उनका, ऐसी लोगों का जो ऐसी मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। आज दोपहर 2 बजे से ये सेंटर खुलेगा। किसी को जरूरत हो वो आके अपना इलाज करा सकता है। इसको LNJP के हॉस्पिटल के साथ जोड़ा गया है, ICU बेड्स के लिए भी। परमात्मा ना करे यहाँ हुआ भर्ती की, अगर जरूरत पड़ी तो उसको LNJP में शिफ्ट भी किया जाएगा। उम्मीद है गुरु तेग बहादुर साहब हम सब पे कृपा करेंगे। ये 400 लोग जहाँ पे आएंगे गुरु की कृपा कारण ठीक होके जाएंगे, और आप सबका सहयोग इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ NNMPB 21-68-125 May 10, 5, 2021 ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NNM ਦੇ ਦਸਖਤ ਨੇ, ਉਹ 4 ਮਈ, 8 ਮਈ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 68020 ਅਤੇ 21 May 10, 5, 2021 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।